कल बाज़ार खुलने वाला है, चलो बाज़ार का अपडेट देता हूँ। लोग क्या बोलते हैं कि हमस का और इसराइल का युद्ध हो गया, कोई बात नहीं हो जाने तो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर्मूला आपको पहले ही बता देता है, उसने ऊपर जाना है क्योंकि कल ट्रैप लगा था, ट्रैप लगने के बाद उसने टारगेट दिया, टारगेट देने के बाद होता क्या, बाज़ार को उल्टी दिशा में तो जाना है। टारगेट का मतलब यही होता है, इधर आ जा भाई, आ जाओ। अब उल्टी दिशा में जाना तो ऊपर में रेजिस्टेंस को टच करेगा, रेजिस्टेंस इसने ऑलरेडी टच कर दिया। अब आगे क्या होगा, आगे कल बाज़ार कहते हैं कि बहुत नीचे गिरेगा, उसका उल्टा चलेगा। मैं तो खुद बोलता हूँ बाज़ार ने सोमवार को ट्रैप मारना होता है, तो ट्रैप कैसे मारेगा, ट्रैप का तो एक तरीका है ना बाज़ार का, तो मैं बताऊँगा कैसे लगेगा। आइए, मुझे नहीं पता, मेट्रो में शायद वीडियो नहीं बना सकते होंगे, बना सकते क्या मेट्रो वीडियो, अलाउड नहीं है, नहीं है मेट्रो में वीडियो बनाना अलाउड है क्या? आ जाओ फिर। तो बाज़ार का हाल मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, बाज़ार कल गिरेगा नीचे और बहुत बढ़िया तरीके से गिरेगा। अपनी पोजीशन है सेलिंग की और मैं दिखा दूँगा कल जब बाज़ार खुलेगा, आप देखना 900 पता नहीं कितनी 4000 क्वांटिटी अपनी शॉर्ट सेल पड़ी हुई है। क्यों, बाज़ार ने 3 दिन पहले बता दिया था नीचे जाना है। एक ने तो पूछा भी कि गुरुजी आपकी 44200 की पुट पड़ी है, उसका क्या हुआ, उनको क्या पता 3 दिन बाद युद्ध होने वाला है, क्यों, फॉर्मूले ने तो पहले ही बता दिया था। इधर से चलो ना यार, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अब ऐसे बोलने से क्या होगा, बोलने से कुछ नहीं होता, दिखाना पड़ता है। बाज़ार में पोजीशन हमारी है, लोगों की नहीं है, लोग डरे बैठे हैं, कॉल लेके बैठे हुए हैं। अब कॉल लेके बैठने से क्या होगा, उनको तो लग रहा कल बाज़ार और ऊपर जाएगा, फ्राइडे को बुक कर लेना चाहिए था। आप पछताओगे, पछताना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपके पास वो पोजीशन है नहीं, और अगर किसी ने कॉल को कैरी कर लिया वो तो मर गए, बहुत बुरी तरीके से मरे, समझे। तो इसलिए 330 का फॉर्मूला सीखना बहुत ज़रूरी है भाई, हाँ बहुत ज़रूरी है।